फ्रेंड्स, आई एम सचिन राणा फ्रॉम ओशन इंटरनेशनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। ये जो टाइम है थोड़ा मुश्किल है सबके लिए, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो अब्रॉड में है, कहीं भी है। आपको पता है इस महामारी के टाइम में ये जो प्रॉब्लम आई है ये पूरी दुनिया में इकट्ठी आई है। फिर भी सब लोग जो है इससे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए, और होपफुली डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी वर्क वीज़ा का क्या चल रहा है, आगे हम कैसे देखेंगे, क्या करना है, जो एप्लीकेट्स अप्लाई हो चुके हैं और जो नए अप्लाई करना चाहते हैं और आ रहे हैं, क्या हमें लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, ठीक है, और सिचुएशन कैसी है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं सिचुएशन कैसी है, इंडिया की सिचुएशन कैसी है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है, ये मैं आपको बताऊंगा। मेनली मलेशिया का वर्क वीज़ा हम करते हैं, जो आपको पता होगा। तो मलेशिया के वर्क वीज़ा के बारे में सारा आपको आज डिटेल से बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज आगे रहेंगी। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब सेफ रहें, घर पे रहें, और जितना जरूरी हो उतना ही बाहर निकलें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, ठीक है, क्योंकि हम सबको मिलके इस प्रॉब्लम से जो है वो लड़ना पड़ेगा। तो अभी एक अच्छी खुशखबरी ये है, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस बढ़ क्यों रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पहले इंडिया के पास किट्स नहीं थी, ठीक है, अब इंडिया ने खुद की किट्स बनाना शुरू कर दिया है जिसे टेस्टिंग होती है। तो जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगी लोगों की, उतना ही ज़्यादा जो है वो केसेस आएंगे। तो अभी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, दिल्ली में, गुजरात में, ठीक है, और पंजाब में बहुत जो है वो आई थिंक बहुत नॉमिनल 1-4% जो है एक्टिव केसेस हैं, ठीक है। तो चीज़ें कहीं जगह पे सुधर रही है, कहीं जगह पीक पे जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि पीक पे जाने के बाद ये डे बाय डे जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसके लिए अच्छे स्टेप्स ले रही हैं। जो भी एरिया, जैसा भी जो भी एरिया जिसमें रेड जोन में है, जो जहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे भी CRPF और जो आर्मी वगैरह की टुकड़ियाँ भेज दी गई हैं, ठीक है, और ऑलरेडी वहाँ पे हैं भी जो कि सारा इसको निगरानी कर रही हैं। तो होपफुली महाराष्ट्र का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अभी आज 26 को मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, 26 मई को। तो अच्छी बात यह है कि 25 तारीख से, 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू कर दी गई है, गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है, जो कि बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि पहले डोमेस्टिक शुरू होगा। अगर डोमेस्टिक ट्रायल अच्छा रहेगा, 10 दिन 15 दिन एक महीना केसेस नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके चलता रहेगा, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि जून मिड के बाद या जुलाई स्टार्टिंग में जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो सकती हैं। मीन्स आप ये लिख लीजिए जुलाई में शुरू होने के बहुत अच्छे चांस हैं, जून में तो अभी ट्रायल चल रहा है, ठीक है, जुलाई मंथ में जो है काफ़ी अच्छे चांसेस हैं फ्लाइट शुरू हो जाएं। तो उम्मीद करिए और दुआ करिए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जिससे कि फ्लाइट्स वगैरह शुरू हो जाएं। अगर फ्लाइट शुरू होंगी तभी फिर आगे जो है हम काम कर सकते हैं, और हमारे वर्कर्स भी बाहर जा सकते हैं जिन्होंने काम करना है। अभी मैं इंडिया की सिचुएशन बताता हूँ, यहाँ पे अभी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है जॉब के हिसाब से, क्योंकि मजदूर लोग, जॉब करने वाले, ऑफिस जाने वाले ऑफिस खुल नहीं रहे हैं, तो उनको वो जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ है। अभी जैसे हम मलेशिया भेजते हैं, तो इससे बेटर थोड़ा मुझे मलेशिया लग रहा है। इंडिया में अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख केस हो चुके हैं आज तक, और मलेशिया में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काबू किया है अभी तक, 26 मई तक। अभी आई थिंक मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, अभी मलेशिया में कुल जो केसेस हैं जो आज तक कंफर्म हुए हैं वो है 7,676 केस, ठीक है, उनमें से जो एक्टिव केस हैं वो है 1448, और 6,041 केस उसमें से ठीक हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं गया था 8 मार्च को, तो उस टाइम इंडिया में और मलेशिया में आई थिंक 50-60 केसेस थे, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या इस करके ज़्यादा फैल गया, ठीक है, और
अब टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है, जनसंख्या भी ज्यादा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती ही है। और वहां पे 115 डेथ हुई है आज तक, ठीक है, और 187 केस आ जाए हैं, ठीक है, रिकवर्ड केस है 62, वहां रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 70% 80% लोग जो है ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे हम कंपनीज में वहां पे भेजते हैं, तो स्पोर्ट्स प्लांटेशन की कंपनी है, उनका स्टार्टिंग से क्या रहता है कि 15-20 किलोमीटर का जो एरिया पूरा है वो उनका अपना है, उसमें कोई भी आउटसाइडर नहीं जा सकता, कंपनी का ही पर्सन जा सकता है, ठीक है, कंपनी का पर्सन जाएगा, और जो वर्कर होते हैं वो तो अंदर ही रहते हैं ऑलवेज, चाहे कोरोना था चाहे कोरोना नहीं है, ठीक है, वो हमेशा अंदर ही रहेंगे 20 किलोमीटर के एरिया में अंदर ही। तो उसमें क्या होता है कि कोरोना के फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि लोग वहां पे अंदर बाहर जा ही नहीं रहे हैं, तो कोरोना आएगा कहां से, उड़ के 20 किलोमीटर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। कुछ नेगेटिव चीजें क्या है कि जब तक इंडिया की फ्लाइट शुरू नहीं होंगी और मलेशिया की गवर्नमेंट जो है फ्लाइट शुरू नहीं करेगी या किसी और देशों की गवर्नमेंट शुरू नहीं करेगी, तब तक लोग जा नहीं सकते, ठीक है। अभी इटली ने भी, इटली में आपने देखा होगा बहुत पीक पे था, बहुत ज्यादा लोग जो है वहां पे वायरस से संक्रमित हुए, डेथ बहुत हुई, बट अब जो है बहुत कम हो गया है, ठीक है, अब उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है कैसे कंट्रोल करना है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है कि इसको हैंडल किया जाए, और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हुए हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी नहीं कि रिपीट होती रहती बीमारी है, ये नई बीमारी है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, तो हमें गवर्नमेंट का जो है साथ देना चाहिए, ठीक है। तो इटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, इटली गवर्नमेंट ने तो वीजा एप्लीकेशन घर से भी शुरू कर दिया है कि अगर किसी ने ट्रेवल करना है कुछ टाइम के बाद, तो वो एप्लीकेशन जो है वीएफएस सर्विसेज जो होती है, वीएफएस सेंटर होता है, वो आपके घर या ऑफिस आके आपके बायोमेट्रिक और एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होता है वहां पे कर सकता है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। बट अभी आई थिंक 1-2 महीने तक तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है, क्योंकि फ्लाइट जब प्रॉपर शुरू नहीं तब तक कोई जा नहीं सकता, ठीक है। अभी चाइना ने भी जो है इसको काफी कंट्रोल कर लिया है, यूएस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, और यूएस में आई थिंक बोल रहे हैं कि बहुत जल्द इसकी मेडिसिन भी यूएस सबसे पहले लेके आएगा, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। और अभी ये तो ग्लोबली रह गया कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ठीक है, मेडिसिन बन जाएगी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बट इसका ट्रायल होता रहेगा, आई थिंक ये इस साल के एंड तक प्रॉपर मेडिसिन इसकी आ जाएगी। और ये इफेक्ट किसको कर रहा है, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम, जिसका अंदर से इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे 12 साल से नीचे बच्चे और 60 साल से ऊपर बुजुर्ग, ज्यादातर प्रॉब्लम इनको है, क्योंकि ये साथ में अगर जैसे नॉर्मल कोई पर्सन है जो कि हेल्दी है, तो उसको जो है कई बार सिम्टम्स भी नहीं आते, आके कोरोना निकल जाता है। तो डरने की भी इतनी जरूरत नहीं है कि कोरोना सबको हो गया तो सबके सब मर जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। रिकवरी रेट इंडिया में भी रिकवरी रेट आई थिंक 45% अप्रोक्सीमेट पहुंच चुका है, जो कि रिकवर हो रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद ये रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये पीक पे पहुंच रहा है इंडिया में, अभी ये पीक पे मई मंथ और जून तक पीक पे रहेगा, और स्टार्टिंग उसके बाद धीरे 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 कम होना चाहिए, ठीक है, ये डॉक्टर्स ने बोला है। तो अब इसके बाद रही बात वीजा की, जिन लोगों के वीजा आ चुके हैं, ठीक है, आपको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, मलेशियन गवर्नमेंट को भी पता है, उन्होंने कहा है कि जैसे ये थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो वो फिर सब कुछ अराइवल सब कुछ शुरू कर देंगे। और सुनने में ये भी आया है कि अगर जो भी कंपनी वर्कर्स को लेके आएगी वो कंपनी में लेके जाके, ठीक है, तो उनको वहां पे लेके जाएंगे तो 14 दिन उनसे काम नहीं करवाएंगे, 14 दिन उनके हॉस्टल में रखेंगे, रूम पे रखेंगे मींस, ठीक है, जैसे सपोज जो भी 2-3 पर्सन रूम में रहते हैं, ठीक है, तो उनको वहां पे रखेंगे, पहले चेक करेंगे, उसके बाद ये सजेशंस हैं, ये बताया गया है कुछ सोर्सेज की तरफ से कि ऐसा होगा आगे फ्यूचर में, ताकि उससे आप भी सेफ रहेंगे, कंपनी के और वर्कर्स भी सेफ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार आपका 14 दिन का पीरियड वहां पे हो जाता है तो उसके बाद तो काम करेंगे, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है।
और उम्मीद करते हैं कि जून एंड में और जुलाई में जो है फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, तो हम जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ्लाइट्स हो जाएगी, जो भी पेंडिंग वर्कर्स हैं चाहे वो प्लांटेशन किसी भी सेक्टर के हैं और जिन्होंने अप्लाई कर चुके हैं उनके वीज़ा भी ऑलरेडी आ चुके हैं, सबके वीज़ा आ चुके हैं सिर्फ 2, 4, 5 को छोड़ के, ठीक है, बाकी सबके वीज़ा आ चुके हैं। सब जो है वो जैसे ही कुछ अपडेट हमें आता है तो वीज़ा एम्बेसीज खुलती हैं, एम्बेसी खुलेंगी तो हम पासपोर्ट भी सबमिशन के लिए लगा देंगे और वीज़ा पासपोर्ट स्टैंप होके आ जाएगा। मेन प्रायोरिटी क्या है हमारी, हमारी प्रायोरिटी है कि सब सेफ रहें सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि आज के आज ही सबको भेज देना, नहीं, जैसे सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। और एक और चीज़ है, हमें कोरोना को ख़त्म होना ना होना ये नहीं कह सकते, कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, ठीक है, प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, मास्क लगा के, सैनिटाइजर, मास्क, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें हमें अपनानी पड़ेंगी। ये चीज़ें अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यही मोटिव है कि सब के सब जो भी जाए वो सेफ रहे। जैसे हमें पता चल जाएगा कि ये अब सब सेफ है उस टाइम फिर हम वर्कर्स को भेजना शुरू करेंगे। क्या हुआ, एक महीने नहीं भेजेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने नहीं भेजेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 महीने नहीं भेजेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब सेफ होगा हम तभी भेजेंगे। बट इतना है, अभी हम इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं क्योंकि इंडिया में काम नहीं है। आपने देखा होगा कि यूपी बिहार में कितने लोग जो है बाहर से आ रहे हैं, केरला में, आंध्र प्रदेश में कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर से तो आ ही रहे हैं बट दूसरे राज्यों से भी, पंजाब से जा रहे हैं, बॉम्बे से जा रहे हैं। तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो अभी लोगों को जॉब की बहुत ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने जॉब के लिए जाना है, आप ऐसा करिए अपने डॉक्यूमेंट्स हमें कोरियर करवा दीजिए, ठीक है, और जैसी सिचुएशन नॉर्मल होगी, ठीक है, हम गवर्नमेंट से कोटा लेके, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट आते जाएंगे हम कोटा पे नाम चढ़ाते जाएंगे, मींस कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आ चुकी है, फिर हम गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट से 100, 200, 500, 1000 का कोटा ले लेंगे, ठीक है। सपोज जुलाई में सब कुछ शुरू हो गया तो वीज़ा तो हम 10 दिन में करवा सकते हैं वहां से, ठीक है, 10 दिन में वीज़ा करवा के उसके बाद यहां पे काम 15-20 दिन का, यहां का 1 महीने में सबकी जो है फ्लाइट करवा सकते हैं। तो ये रहेगा कैसे, हमारे पास जितना कोटा होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जितने डॉक्यूमेंट्स आएंगे पहले आएंगे उनका पहला हम लगाएंगे। तो ये सोच के चलिए एटलीस्ट जुलाई महीने के बाद जो है हम फ्लाइट्स करवाना शुरू करेंगे नए ओल्ड की, बाकी उससे पहले शुरू हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है उससे पहले भी करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ लेबर क्लास की जॉब्स हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि जॉब किस चीज़ की होती है, जैसे प्लांटेशन की जॉब है, खेती बाड़ी से रिलेटेड काम होता है, फ्रूट निकालना, कटिंग करना, ठीक है, अलग अलग टाइप का काम होता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख लेना कैसा काम होता है। सैलरी जो है 1100-1200 बेसिक होती है, अब 1100 भी है 1200 भी है कुछ कंपनीज की, मतलब 20,000 बेसिक है प्लस ओवरटाइम है, ओवरटाइम के साथ 25,000 से 35,000 की सैलरी रेंज है, 25 से 35। रहना कंपनी का है, मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की होती है, खाना अपना होता है, 2-3 हज़ार खाने का अपना होता है, ठीक है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 3 साल का वीज़ा इंडिया से प्रॉपर वर्क परमिट लग के जाएगा। तो अभी जिन भी लोगों ने बाहर जाने की इच्छा है वो अभी हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फोन पिक ना हो, समटाइम बहुत ज़्यादा कॉल्स होती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मैसेज छोड़ दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, तो आपसे आपको आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिस के एड्रेस पे कोरियर करवा दीजिए, तो उससे क्या रहेगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, जब वीज़ा ओपन हो जाएगा तो हम उसको प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। वीज़ा तो अभी भी ओपन है, वीज़ा तो आज मैं अप्लाई करूं मलेशिया से आ जाएगा, बट मैं सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का ज़्यादा और फ्लाइट्स ओपन होने का वेट कर रहा हूं, बाकी कंपनीज को वर्कर चाहिए, कंपनीज को इमिग्रेशन में डालना है इमिग्रेशन ऑफिसर ने, क्योंकि गवर्नमेंट के काम तो चले हुए हैं, बंद नहीं है गवर्नमेंट, ये है कि हाँ 10 की जगह 2 एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बाकी सब नॉर्मलाइज है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें रह गई हों तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वैसे तो क्वेश्चन मेरी यही थी कि मैं आपको बता दूं सारा कुछ, बाकी
कुछ लोगों को, कुछ लोग फंस भी चुके हैं इस टाइम। फंसे कौन है मलेशिया में? फंसे वो हैं जिन्होंने कंपनी छोड़ के भाग गए हैं, या वहाँ पे वो दो नंबर में इलीगल हैं, वो फंसे हुए हैं। ठीक है, वो लोग तो इस टाइम बहुत परेशान होंगे, क्योंकि ना उनको बाहर काम मिल रहा है, कंपनी भी छोड़ के भाग गए। हमारा भी एक दो लड़के थे ऐसे जो कि सुनने में आया कि वो भाग गए हैं, तो बहुत गलत बात है वैसे तो। ठीक है, अब भुगत रहे होंगे खुद, क्योंकि बाहर जाके काम नहीं मिलेगा, फंसेंगे, परेशान होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जरूरतमंदों की हेल्प की जाएगी। ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफिस भेज दीजिए, बाकी टाइम के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।